दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। NSUI की तरफ से आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है और इस मैनिफेस्टो के माध्यम से अब जो कैंडिडेट हैं वो छात्रों के बीच जाएंगे। हमारे साथ NSUI के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी दहिया हैं। आप बताइए कि जो ये मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, इसमें जो प्राथमिकताएँ आप छात्रों को देने वाले हैं, क्या कुछ इस बार खास है? सबसे पहले हम जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12 डेज मेंस्ट्रुअल लीव की मांग यूनिवर्सिटी में करेंगे, जैसे कि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी किया है। इसके साथ साथ हमारा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस कैंपस में होगा, एक सेफ कैंपस की हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आप जिस हिसाब से देख रहे हैं पिछले समय 2 मर्डर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो चुके हैं। इसके साथ साथ ABEP की जिस हिसाब से कैंपेनिंग चल रही है, रामानुजन कॉलेज में ABEP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार द्वारा जो गेट तोड़कर एंट्री की गई, उसके साथ साथ आदिति महाविद्यालय और मिरांडा हाउस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज जैसे कॉलेजों में आप देखते हैं ABEP किस प्रकार गेट तोड़कर कॉलेज के अंदर घुसकर छात्राओं के साथ बदतमीजी कर रही है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा और हम एक सेफ कैंपस की लड़ाई लड़ने का काम इस यूनिवर्सिटी में करेंगे। सवाल ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या प्राथमिकताएं आप लोगों की होने वाली है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कल कहा गया है कि उनका सबसे पहला मुद्दा महिला सुरक्षा हो। उन एक्चुअली में जो हम जितना देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, अगर सबसे पहला हमारा यही रहेगा, अगर ABEP डूसू से हट जाती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिलाएं अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो गेट तोड़कर जब महिला कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं तो असुरक्षित तो ABEP से हैं। तो उन्हें सिर्फ इतना ही करने की ज़रूरत है कि आप डूसू से बाहर हो जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाइए, महिला सुरक्षित हो जाएंगी। ये मांग हमारी तरफ से है। आप NSUI की कैंपेनिंग देख सकते हैं, हमारी कैंपेनिंग में कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की गई है कि छात्राओं के साथ बदतमीजी हो या गेट तोड़कर कॉलेज का एंट्री ली जाए। वो लोग खुद गेट तोड़कर एंट्री लेते हैं और फिर बात करते हैं महिला सुरक्षा की। मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्राएं इस बार ABEP के बहुत खिलाफ हैं और ABEP से बहुत तंग हैं और आने वाले दूसरे चुनाव में वो उनको उनके खोखले वादों को भी बताएंगी कि उनके वादे कितने खोखले हैं और दूसरे चुनाव में वो बदला लेकर उनको सबक सिखाएंगी कि आप उनके कॉलेज में बगैर परमिशन से नहीं घुस सकते हैं और छात्राओं के साथ बदतमीजी नहीं कर। सवाल मेरे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर बार मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मेट्रो कार्ड की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, हर बार ये होता है, क्या आपको लगता है कि मेट्रो कार्ड जैसे जो आप मैनिफेस्टो में इस बार डाले हैं वो पूरा हो पाएगा या हर बार ये लॉलीपॉप छात्रों को दिया जाता है? NSUI जब जब वादा करती है तो उसे पूरा भी करने का काम करती है। हमने वादा किया था हॉस्टल बनाने का, तो लास्ट हॉस्टल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना था वो तब बना था जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सीट NSUI के पास थी, NSUI बहुमत में थी। हमने वादा किया था बस पास का, तो बस पास तब मिला था जब NSUI बहुमत में थी। तो NSUI वट NSUI प्रोमिसज NSUI डिलीवर्स। आज भी जो हम वादे कर रहे हैं मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस बार NSUI बहुमत में आती है, NSUI 4-0 से दिल्ली यूनिवर्सिटी फतेह करने जा रही है और ये वादे भी हम छात्रों के साथ पूरे करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। NSUI की तरफ से आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आने वाले दिनों में मैनिफेस्टो जारी करने वाले। देखने वाली बात होगी कि इस बार छात्र संघ चुनाव में आखिर कौन बाजी मारता है।